Welcome to all learners of this channel. Dear students, ei video re ame direct and indirect speech bisare padhiba jota tumo English grammar ro last chapter. Ei chapter ro ek mark tumo matric re asile madhyo. Ei chapter ti very very useful. Future re bahut kaam re lagibo. Agaku jo patha ame padhiba direct and indirect speech ro course sei pathare achi. वीडियो का हमें लास्ट चाइन देखा लास्ट चाइन न देखले किसी बेनिफिट पाइब ना जदि किसी कम अच्छे से कम को फास्ट कंप्लीट करो तापर वीडियो देखापी बस फास्ट रू कही रखुच्छी वीडियो टिके लेंदी हो पाए कारण आम टिकी बुझा विषय टी क्लमसी अच्छी तेणु भल भाव न बुझे किसी लाभ ना मुझे चाहे तुम्हें समस्ते भल भाव ये विषय टी बुझ डायरेक्ट एंड इंडायरेक्ट स्पीच बहुत पिला डाउट थाए तुम डाउट क्लीयर करवाई मुझे बहुत सुंदर नोट टी प्रिपेयर करी जो नोट टी को ए वीडियो तुमको बुझेदेवि बाकी नौटी चैप्टर तुम्हें जान से चैप्टर नाम मुझे कह समय नष्ट करूनी से चैप्टर गुड़ाक नौटी चैप्टर वीडियो ये चैनल रे अवेलेबल अच्छी प्लेलिस्ट को गले सीधा तुम्हें पाइपर प्लेलिस्ट ना हो ग्रामर सेक्शन तेल लेट नक आम वीडियो स्टार्ट करवा कि स्टार्ट करने पूर्व गोटे छोट रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर करवा बहुत मात्रा रे शेयर करवा कारण तुम्हें वीडियो को जमा भी शेयर करनो वीडियो रु एते व्यू आसुनी बहुत हार्डवर्क करा को पड़ुची वीडियो प्रिपेयर पे शेयर करो तुम सांग माने समस्त देखंतु कारण से माने मैट्रिक रे निश्चय भलो नंबर रखिबे आउ तांकर ग्रामर नॉलेज बहुत थरो हे जिवो आउ जदि चैनल को फर्स्ट टाइम पे आछ सब्सक्राइब करिया को पड़िवो सब्सक्राइब केवल कले हबनी पाखर थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करिया को पड़िवो तले चैप्टर ना होची डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ये चैप्टर वन मार्क आसे आनुआल एग्जाम रे हाँ आ गोटे कथा कही दूची ये चैप्टर रु आम कौन बुझिले केते बुझिले ताको टेस्ट करिया पई वीडियो एंड रे गोटे होमवर्क क्वेश्चन दिखाई 14 क्वेश्चन रो आंसर आम करवा विषय देखि सारापर वीडियो देखि सारापर से क्वेश्चन गुड़ाक आंसर मुझे नेक्स्ट वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ेबी ये चैप्टर रहा दुईट पार्ट में मुझे डिवाइड कर फर्स्ट पार्ट आम पढ़ा सेकेंड पार्ट रे हमें आउ बाकी तक रेस्ट पार्ट को हमें पढ़ा तेणु से बड़े तुम्हें ये होमवर्क क्वेश्चन रो आंसर पाइपर तो लेट नक वीडियो स्टार्ट करवा वीडियो को लास्ट टाइम देखा रिक्वेस्ट देख डिस्प्ले लिखाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आम ओडिया पढ़े डायरेक्ट माने होची प्रत्यक्ष उक्ति इनडायरेक्ट माने होची परोक्ष उक्ति वी कैन रिपोर्ट व्हाट ए पर्सन सेज इन टू वेज आम गोटे पर्सन कौन कहूँ बा जन स्पीकर कौन कहूँ आम दुईट उपाय रिपोर्ट कर पारिबा देख डायरेक्ट स्पीच आउ इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच स्ट्रक्चर देख आउ इनडायरेक्ट स्पीच स्ट्रक्चर देख एक्जाम्पल तीनो लिखाई रमेश सेड आई वांट टू बी ए डॉक्टर सेड तले ऑनलाइन लिखाई रिपोर्टिंग वर्ब बोली आई वांट टू बी ए डॉक्टर हूँ रिपोर्टेड स्पीच देखो रिपोर्टेड स्पीच को इनवर्टेड कमा रखाई डबल इनवर्टेड कमा दिखाई रिपोर्टेड स्पीच लिखाई ऑनलाइन है कि पूर्व कमा बा सेड परे रिपोर्टिंग भर पर हमें कमा देचे तो हमें डायरेक्ट स्पीच को इजिली चिन्ह पारा कमा दिया थी इनवर्टेड कमा थी सेमती नंबर टू द गर्ल सेज आई एम हैप्पी नंबर थ्री ही सेड आई शैल प्ले टुमरो ये लेफ्ट साइड रे डायरेक्ट स्पीच तीनोटी एग्जांपल से डायरेक्ट स्पीच रो इनडायरेक्ट स्पीच को हमें चेंज कर राइट साइड रे तीन टी एग्जांपल लिखिछे रमेश सेड दैट ही वांटेड टू बी ए डॉक्टर नंबर टू द गर्ल सेज दैट सी इज हैप्पी नंबर थ्री ही सेड दैट ही वुड प्ले द नेक्स्ट डे ये हमें इनवर्टेड कमा देने कि कमा भी देने केवल लास्ट को फुल स्टॉप देचे आउ दैट रो यूज होइछ तनो इनडायरेक्ट स्पीच भी तुम्हें देखले जानी परिबो द डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच रो स्ट्रक्चर हमें देखले एग्जांपल भी तीनोटी देखले तापर देखिबा इन डायरेक्ट स्पीच वी रिपीट द एक्जाक्ट वर्ड्स अफ द स्पीकर डायरेक्ट स्पीच रे हमें एक्जाक्ट जहाँ स्पीकर फास्ट सेंटेंस रमेश हूँ स्पीकर रमेश जहाँ कहे आम अबिकल से कथा कहे रमेश सेड आई वांट टू बी ए डॉक्टर रमेश सेड रमेश कहूँ आई वांट टू बी डॉक्टर हूँ रमेश कथा तेल एक्जाक्ट वर्ड आम कहे डायरेक्ट स्पीच रे द एक्जाक्टली रिपीटेड वर्ड्स रिपोर्टेड स्पीच बोली कहे आर पुट बिटवीन इनवर्टेड कमास इनवर्टेड कमारे रखुचे देख लिखाई एंड ए कमा और कलन कमा दे पार कलन दे पार इज पुट बिफोर द वर्ड्स कोटेड बुझी स्पीकर जहाँ कहूँ आम इनवर्टेड कमा कि कलन इनवर्टेड कमार आम रखा आउ स्पीकर परे जो रिपोर्टिंग भर्ब अच्छी तापर आम कमा दे कि कलन दे पार डायरेक्ट रमेश कलन भी देखिए आम लिखिपर
ସେମିତି ଇନ୍ ଇଣ୍ଟାଇର୍ ସ୍ପିଚ୍ ୱି ରିପୋର୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ସ୍ପିକର୍ ସିଜ୍ ଅର୍ ସେଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ରିପିଟିଂ ଦ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଯାହା କହୁଛି ଆମେ କହିନି ଦେଖନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରମେଶ ସେଟ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଏ ଡକ୍ଟର ଏଠି ରମେଶ ସେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଏଠି ଆଇ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଟୁ ହି ଆଇ ହିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ୱାଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି ତେଣୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ଲେଖୁନେ ହିୟର୍ ୱି ଗିଭ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପିକର୍ସ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆମେ ମିନିଂ କହୁଛେ ଦ ଭର୍ବ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କ୍ଲଜ୍ ଇନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟୋରୀ ଭର୍ବ ଅର୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଭର୍ବ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖିଛେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍କୁ ଦେଖ ରମେଶ ସେଟ୍ ଏଠି ସେଟ୍ ହେଉଛି ରିପୋର୍ଟିଂ ଭର୍ବ ବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟୋରୀ ଭର୍ବ ଆମେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଭର୍ବର ୟୁଜ୍ ବେଶୀ କରିବା ସେମିତି ନମ୍ବର ଟୁରେ ଦ ଗାର୍ଲ ସେଜ୍ ଏଠି ସେଜ୍ ହେଉଛି ରିପୋର୍ଟିଂ ଭର୍ବ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀରେ ହି ସେଡ୍ ସେଡ୍ ହେଉଛି ରିପୋର୍ଟିଂ ଭର୍ବ ବୁଝିହେଉଛି ତାପରେ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲେ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଖାଲି ମୁଁ ପଢ଼ିଦେଉଛି ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା ଭିତରେ ରଖାହେଇଥାଏ ଦ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମାଜ୍ ଆର୍ ଓମିଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ କଥା କହୁଛି ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମାକୁ ଓମିଟ୍ କରାହୁଏ ନୋ କମା ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଆଫ୍ଟର୍ ଦ ରିପୋର୍ଟିଂ ଭର୍ବ ରିପୋର୍ଟିଂ ଭର୍ବ ପରେ କୌଣସି କମା ଦିଆ ହୁଏ ନାହିଁ ଦ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଇଜ୍ ଜେନେରାଲି ଫଲୋଡ୍ ବାଏ ଦ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ସ୍ପିଚ୍କୁ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦ୍ୟାଟ୍ ବସାଇଥାଉ ଜେନେରାଲି ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଉ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ତ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ସୁଇଥ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ସ୍ପିଚ୍କୁ ପରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଉ ନୋ ମ୍ୟାଟର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଯେକୌଣସି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହଉ ଡେକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ହଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ବି ଦେବା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ରିମେମ୍ବର ହ୍ୱେନ୍ ୱି ଚେଞ୍ଜ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଇନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ୱୋନ୍ ୱି ଜେନେରାଲି ଟେକ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍କୁ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ୍ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଡାଇରେକ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ କରିବା ସେଥିରେ ଚାରୋଟି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କ'ଣ କ'ଣ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଦ ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ରିପୋର୍ଟିଂ ଭର୍ବ ରିପୋର୍ଟିଂ ଭର୍ବର ଟେନ୍ସ କ'ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଅଛି କି ପାଷ୍ଟରେ ଅଛି କି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଅଛି ଦେଖ ରିପୋର୍ଟିଂ ଭର୍ବ ଆମର ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ସେଡ୍ ନମ୍ବର ଟୁରେ ସେଜ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀରେ ସେଡ୍ ତେଣୁ ତା'ର ଆମେ ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ନମ୍ବର ଟୁରେ ଦ ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଭର୍ବ ଇନ୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ ଯେଉଁ ଭର୍ବ ଥିବ ବା ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଯେଉଁଟା ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥିବ ତା'ର ଭର୍ବକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଦ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଆଡ଼ଭର୍ବାଲ୍ସ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ପ୍ରୋ ନାଉନ୍ ଆଡ଼ଭର୍ବାଲ୍ ବା ଟାଇମ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଯାହା ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଦ ରିପୋର୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ରିପୋର୍ଟର କିଏ ବା ସ୍ପିକର୍ କିଏ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟିଂର ଟାଇମ୍ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏତିକି ଚାରିଟି ଜିନିଷ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ କରିବା ତା'ପରେ ମାର୍କ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭର୍ବାଲ୍ସ ଅର୍ ମୋଡାଲ୍ ଭର୍ବସ୍ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲେ ଆଡ଼ଭର୍ବାଲ୍ ମୋଡାଲ୍ ଭର୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ଲେସ୍ ଟାଇମ୍ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଥରେ ପଢ଼ିଦେଲେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେବା ନାଉ ଥିଲେ ଦେନ୍ ଅର୍ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁଡେ ଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ କଥା କହୁଛି ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ ଥିଲେ ଦ ଡେ ବିଫୋର୍ ଅର୍ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡେ ଦ ଡେ ବିଫୋର୍ ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ ଥିଲେ ଟୁ ଡେଜ୍ ବିଫୋର୍ ଟୁମୋରୋ ଥିଲେ ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଅର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡେ ଅର୍ ଦ କମିଂ ଡେ ବି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଦିସ୍ ୱିକ୍ ଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିକ୍ ଦ ଡେ ଆଫ୍ଟର୍ ଟୁମୋରୋ ଥିଲେ ଇନ୍ ଟୁ ଡେଜ୍ ଟାଇମ୍ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଅର୍ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଥିଲେ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱିକ୍ ଅର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇୟର୍ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅର୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଥିଲେ ଦ ୱିକ୍ ବିଫୋର୍ ଅର୍ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ୱିକ୍ ଏଗୋ ଥିଲେ ବିଫୋର୍ ହୁଏ ଏ ଇୟର୍ ଥିଲେ ଏ ଇୟର୍ ବିଫୋର୍ ଅର୍ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ହିୟର୍ ଥିଲେ ଦେ ଆର୍ ହୁଏ ଦେ ଆର୍ ଥିଲେ ସେ ଦେ ଆର୍ ରହେ ଦସ୍ ଥିଲେ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହୁଏ ଦିଜ୍ର ଦୋଜ୍ ହୁଏ ୱିଲ୍ ଅର୍ ସାଲ୍ ଥିଲେ ଉଡ୍ ହୁଏ ମୋଡାଲ୍ ଆସିଗଲା କ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ କୁଡ୍ ହୁଏ ମେ ଥିଲେ ମାଇଟ୍ ହୁଏ ମଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେଇ ମଷ୍ଟ ରହେ ବା ହାଟ୍ ଟୁ ହୁଏ ବା ଉଡ଼ାପ୍ ଟୁ ରହେ ଉଡ୍ କୁଡ୍ ସୁଡ୍ ମାଇଟ୍ ହାଟ୍ ଟୁ ଅଟ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡେ ଆର୍ ନିଡ୍ ଏଭଳିଆ ଥିଲେ ରିମେନ୍ ସେମ୍ ସେଇଆ ରହେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ନାହିଁ ଜାଣିହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଟା ତୁମ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିଥିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ଡାଇରେକ୍ଟରୁ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ କଲାବେଳେ ବହୁତ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ତା'ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ପେଶାଲ୍ ରୁଲ୍ସ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କେବଳ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କଥା ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ନେଇକି ଆସିବୁ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ଇମ୍ପରେଟିଭ୍ ଆଉ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେମିତି ଆମେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ଅର୍ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ସ୍ପିଚ୍ ତାକୁ ଆମେ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି ଧରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦ୍ୟାଟ୍ ବସାଇବା ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଦ ଭର୍ବସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ରିମେନ୍ସ ଅନ୍ଚେଞ୍ଜଡ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ରିପୋର୍ଟିଂ ଭର୍ବ ଇଜ୍ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ସେଜ୍ ଅର୍ ସେ ଅର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସିମ୍ପୁଲ୍ ୱିଲ୍ ସେ ଯଦି ରିପୋର୍ଟିଂ ଭର୍ବ ଦେଖ ଟେବୁଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଅର୍ ସେଜ୍ ଅର୍ ୱିଲ୍ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଅର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସିମ୍ପୁଲ୍ରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ କଲାବେଳେ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ସ୍ପିଚ୍ର କୌଣସି ଟେନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ନାହିଁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା
द ट्रैवलर सेज आई एम टायर्ड। देख ये रिपोर्टिंग भाव ऑनलाइन कर दीजिए सेज अच्छी तल रिपोर्टेड स्पीच र टेन्स चेंज हम ना टेन्स रिमेन्स सेम से टेन्स रहा इंडेक्स स्पीच हम द ट्रैवलर सेज रहा दैट बसला जेहतु डिक्लेरेटिव सेंटेंस आई कन्वर्ट टू हि आई टा चेंज होगा हि होगा लक्ष्य करने आम जानपर द ट्रैवलर सेज ट्रैवलर कहला आई एम टायर्ड तो आम आई लिखी हम ना द ट्रैवलर सेज दैट हि इज आम आई पाखे आम बस हि पाखे इज बस टायर्ड रहा जानला मो कथा। नंबर टू हि विल से आई शाल गो टू बेड इयरली ही विल से अच्छे रिपोर्टिंग भाव ताले रिपोर्टेड स्पीच रो टेंस चेंज हेनी आई शाल गो टू बेड इयरली आई शाल गो टू बेड इयरली अच्छी रिपोर्टेड स्पीच ताले ही से दैट आई पाखे ही बसला साल बस फ्यूचर सिंपल हो पाखे तो साल बस पारे ही विल गो टू बेड इयरली आ सब सेम रहा केवल प्रोनाउन चेंज है पर्सन चेंज है आउ वर्ब टेन्स चेंज है ना कहीं बिकज रिपोर्टिंग वर्ब आम विल से अच्छे ए रूल टी बुझी थी सेमती नेक्स्ट रूल he has next example he has said the train was on time tale he has said that the train was on time se rahila ki change hela nahi next rule dekhiba ei rule ti bujhi chi tapare next rule dekhiba when the reporting verb is in the past tense mane said or told or asked etc the following tense changes are necessary tale tense change hobo kahara change hobo na indirect speech re jo बट डायरेक्ट स्पीच जो रिपोर्टेड स्पीच थी तार टेन्स चेंज हे इंडायरेक्ट स्पीच कला बेले देखा बक्स लिखाई रिपोर्टिंग वर्ब जब सेड टोल्ड आस्क थाए तो इंडायरेक्ट स्पीच रे टेन्स चेंज हे कौन चेंज हम से मन रखा देख लिखाई डिस्प्ले रे डायरेक्ट स्पीच इंडायरेक्ट स्पीच जब प्रेजेन्ट सिंपल थाए पास सिंपल प्रेजेन्ट करेस्पंडिंग चेंज बामें प्रेजेन्ट सिंपल थे पास सिंपल हम प्रेजेन्ट प्रोग्रेसिव थे पास्ट प्रोग्रेसिव हम प्रेजेन्ट परफेक्ट थे पास्ट परफेक्ट हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव थे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव वेरी सिंपल किसी मन रखे किसी प्रोब्लेम ना प्रेजेंट सिंपल रे भर प्रेजेंट फॉर्म हुए बी वन और बी वन प्लस एस और एस हुए पास्ट सिंपल रे भी टू हम पास्ट फॉर्म हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे डायरेक्ट स्पीच रे यूजर आमर आर भी वन प्लस आई एनजी थाए पास्ट प्रोग्रेसिव रे से भाई सब्जेक्ट अनुसार वाजर वेयर बस बी वन आई एनजी लगे प्रेजेंट परफेक्ट सेम हाज और हाफ भी थ्री इंडियर स्पीच कला बेले पास्ट परफेक्ट हो हार्ड प्लस भी थ्री हम से प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हाज और हाफ बीन आई एनजी लगे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव रे हाड बीन भी वन आई एनजी हम किसी प्रोब्लेम ना प्रेजेन्ट करेस्पंडिंग चेंज हाँ प्रेजेन्ट सिंपल प्रेजेन्ट प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव प्रेजेन्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट प्रेजेन्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेन्स तुम्हें स्ट्रक्चर जानतापर पास्ट पास्ट सिंपल थे गोटे छाड़िकी पास्ट सिंपल थे पास्ट परफेक्ट पास्ट सिंपल पर प्रोग्रेसिव हेनी तेना पास्ट परफेक्ट मन रखा जब भी टू अच्छी पास्ट फर्म अच्छी हार्ड भी थ्री हम यूल गुड़ाक घुसिकी मन रखा पड़ो एग्जाम्पल प्रैक्टिस कले तुम्हें जान ही पार मन रही पास्ट प्रोग्रेसिव थे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हुए स्ट्रक्चर आगे कहूनी लिखाई देखी दियो पास्ट परफेक्ट थे पास्ट से ही पास्ट परफेक्ट मन रखा पास्ट परफेक्ट थे से ही पास्ट परफेक्ट रहिबो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव थे से ही पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव रहिबो तले एटारो नोट तुम बहिरे अछि आकु मध्ये तुम लिखि दे पारिबो प्रैक्टिस भी करि पारिबो बहुत एग्जाम्पल वर्तमान एग्जाम्पल देखले आमे बुझि जिबा देखो एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच इंडायरेक्ट स्पीच पास्ट प्रेजेन्ट सिंपल द बॉय सेड आई एम हैप्पी देखो रिपोर्टिंग वर्ब सेड अच्छी तेल आई एम हैप्पी र टेन्स चेंज हे आउ पर्सन भी चेंज हे प्लेस भी चेंज हे टाइम भी चेंज हे आउ जहाँ चेंज हे कथ हम टेन्स भी चेंज हे तो इंडिया स्पीच हे द बॉय सेड दैट आई चेंजेस टू ही तापर आम अच्छी प्रेजेंट सिंपल होगा वाज ही वाज हैप्पी से नंबर टू सी सेड आई एम बिजी विथ माई स्टडीज सी सेड दैट सी वाज बिजी विथ हर ये माई अच्छी माईटा होगा हर स्टडीज बुझीगला सब चेंज हम टेन्स भी चेंज हम सब चेंज हो प्रेजेंट सिंपल गलापर आम देखा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट प्रोग्रेसिव अच्छे ही सेड आई एम बाइंग ए न्यू पेन देख रिपोर्टिंग वर्ब सेड ताले टेन्स चेंज हम ही सेड दैट आई होगा ही आम बाइंग अच्छी आम टा चेंज कले होगा वाज बाइंग ए न्यू पेन ही सेड आई एम बाइंग ए न्यू पेन ही सेड दैट ही वाज बाइंग ए न्यू पेन नंबर टू द बॉय सेड माई फादर इज ईटिंग ये भी सही माई होगा हिज इज होगा वाच रिपोर्टिंग वर्ब सेड अच्छी टेन्स चेंज होगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव है द बॉय सेड दैट हिज फादर माई फादर अच्छी माई रही हिज हम कारण द बॉय अच्छी हिज फादर इज ईटिंग वाच ईटिंग किसी प्रोब्लेम ना बहुत इजी तापर प्रेजेंट परफेक्ट देखा द टीचर सेड आई हाव टॉट दिस पोएम द टीचर हूँ स्पीकर सेड हूँ रिपोर्टिंग वर्ब आई हाव टॉट दिस पोएम हूँ रिपोर्टेड स्पीच द टीचर सेड दैट ही हाड
टॉट दैट पोएम जानी होची हाफ टॉट अच्छी प्रेजेंट परफेक्ट हार्ड टॉट वेरी सिंपल हार्ड टॉट दिसटा हेगला दैट नंबर टू आई सेड आई हाव डन माइ होमवर्क आई सेड दैट आई रहिबो जेतु स्पीकर आई अच्छी तेणु आउ आईटा ही हेबनी आई हाफ डनटा हेगला हार्ड डन माइ माइ रहिबो माइ होमवर्क फास्ट्रे आमे पढ़ी माइटा ही जोला कि माइ रहिबो कहीं बिकज स्पीकर अमर आई अच्छी तापर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव देखिबा ही सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम तले हैव बीन वेटिंग अच्छी ही सेड दैट ही आईटा हेगला ही हैड बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हेछि Sumati said, I have been working in the garden since morning. Sumati said that she had been working in the garden since that morning. Bujhi huchi present perfect progressive, past perfect progressive hola tense change huchi. Tapare past ra ame dekhiba. Past simple thile past perfect ho ame padhile. He said, I knew the gentleman. He said that he had known. I knew huchi, knew huchi V2 form. Past simple thila past perfect hola. Had known the gentleman. Sebhari past progressive thile past perfect progressive hue. She said, I was reading a journal this morning. She said that she had been reading a journal that morning. Past perfect. He said, I had helped my friend a lot before. Past perfect say past perfect raibo. He said that he had helped his friend a lot before. Maita hegla his. Past perfect progressive. He said, I had been doing my homework in the morning. He said that he had been doing his homework in the morning. Pujala. टेन्स केमती चेंज होची तुम्हें देख लाकू मन रख आगे भी बहुत एग्जांपल बहि प्राक्ट करतापर नोट देखा किसी टिप्स आम मन रखा वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिमेम्बर दैट द प्रेजेंट टेन्स इन इंडिया स्पीच इज नॉट चेंज्ड इनटू पास्ट टेन्स इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज ए यूनिवर्सल ट्रुथ बा महाजागतिक सत्य साइंटिफिक ट्रुथ वैज्ञानिक सत्य और जियोग्राफिकल ट्रुथ भौगोलिक सत्य और हैबिचुअल एक्शन किंवा अभ्यासगत कार्य आम पढ़ले जदि रिपोर्टिंग भर पास्ट थाए सेड आस्क टोल्ड थाए रिपोर्टेड स्पीच टेन्स चेंज हुए किंतु एटा एक्सेप्शन व्यतिक्रम टेन्स चेंज हम ना रिपोर्टेड स्पीच रतबे इफ रिपोर्टेड स्पीच जदि रिपोर्टेड स्पीच गोटे यूनिवर्सल ट्रुथ साइंटिफिक ट्रुथ जियोग्राफिकल ट्रुथ होता है तेल नो टेन्स चेंज इंडिया स्पीच चेंज चेंज हम ना जो टेन्स थी से टेन्स रोक देखा एग्जांपल फादर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट ये रिपोर्टिंग भर सेड अच्छी किंतु जेहेतु एटा गोटे यूनिवर्सल ट्रुथ महाजागतिक सत्य ताहेले टेन्स चेंज हम ना द सन राइजेस इन द ईस्ट से रहा इंडिया स्पीच रे फादर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट नंबर टू मिटू सेड आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग एटा गोटे हैबिचुअल एक्शन से टेन्स चेंज हम ना कि प्रोनाउन आई बा पर्सन आई सब्जेक्ट आईटा होगा ही पाखे गो बस ना गोज से ही टेन्स रहा प्रेजेंट सिंपल रहा हैबिचुअल एक्शन टेन्स चेंज हेला नाही तले मिटू सेड दैट ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग वेरी सिंपल मन रहुची मो कथा वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबो द टीचर सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द टीचर सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बा 100 डिग्री सेल्सियस साइंटिफिक ट्रुथ बुझिहुची तापरे आउ गोटे नोट देखिबा द पास्ट सिंपल टेन्स ऑफ द वर्ब रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज ट्रू एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग पास सिंपल टेन्स भर से रही चेंज हम ना जो रिपोर्टिंग टाइमटा रिपोर्टिंग बेले कठाटी सत हो एग्जांपल कतोटी मन रखा देख डायरेक्ट स्पीच ने स्पीच द टीचर सेड इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 तार चेंज हो ना टेन्स द टीचर सेड दैट इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 बुझीहुपर नेक्स्ट देखिबा मोडल ऑक्सिलरीज लाइक साल विल कैन मे एटसेट्रा इन द डायरेक्ट स्पीच आर पुट इन देयर पास्ट फॉर्म सच एज शुड वुड कुड एंड माइट एटसेट्रा इन द इनडायरेक्ट स्पीच तले साल और विल थिले वुड हुए कैन थिले कुड हुए आमे कथा आगुरु पढ़ीचे मे थिले माइट हुए मस्ट थिले मस्ट रहे बा हाड टू हुए बा वुड हैव टू रहे वुड और कुड और शुड और माइट और हाड टू बा ऑट टू बा यूज्ड टू बा डेयर थिले से रहे एटा मे एग्जांपल देखले बुझी परबा एग्जांपल देखो He said, I shall obey the rules. In the speech, he said that he would. I ta hegla he, eta ame aguru practice kar deichi au obuja kichhi nahi. Shall ta hegla would. Shall or will thile would hue. Kahin ki na reporting verb said achi, eta man rakhibo. Obey the rules. Number 2, direct speech, the boy said, the man will come. In the speech, the boy said that the man would come. Online heichi au kichhi asubidha nahi. Number 3,
He said, I can swim in the river. In the speech, he can. He said that he could. Can he could swim in the river. Number 4, he said, I may go to a film. In the speech, he said that he might go to a film. Number 5, Sarita said, I must go soon. The future time, Sarita said that she would have to go soon. Mon rakhibo padibo, kichhi problem nahi. Number 6, that speech, I thought there must be some mistake. Eta certainly rahuchi, nischitata rahuchi, seti pai sei must rahila. I thought that there must be some mistake. Number 7, that speech, he said, I must go there. Necessity rahuchi, he said that he had to. Eti must hegala, had to. Example la bahire achi. Tapare note out dekhiba je, when two actions occurring at about the same time are expressed, verb in the time clauses usually do not change. Jodi duiti time gote samare duiti action gote time re ghatuchi tale tense change ho nahi. Example dekho, the monitor of the class said, when the teacher entered the class, all the students stood up. The monitor of the class said that when the teacher entered the class, all the students stood up. Seya rahila, entered, stood up, online hichi duiti clause achi. Number 2, number 3, sei bhali, she said, when I left home, it began to rain. In that speech, she said that when she, right hegla, she left home, it began to rain. Number 3, he said, when I saw them, they were playing tennis. In the speech, he said that when he saw them, they were playing tennis. Partaman homework asigala tomorrow. Homework karibar time asigala. Ame jaha jaha bujhile. Sei bhitaru 14 ti question diya hichi. Ei 14 ti question ro answer tume kari diyo monoru. Video ku dekhila. Answer kari. Rakhitha jetebale next video mu upload karibi. Answer kahidala pare tume मैच कर दबो केते रहिला नंबर निश्चय कमेंट कर जनेबो कारण तुम पे बहुत हार्ड वर्क करे पडुची तुमरो फुल मार्क रहिले बा बहुत भलो बुझी परले मते बहुत खुशी लागबो मु एई भली वीडियो तुमको आगु को मध्य प्रिपेयर करबी जे तो लास्ट चैप्टर तनो विषय को लास्ट चाहि देखिबा को रिक्वेस्ट नेक्स्ट वीडियो आउ किछ दिन भीतर अपलोड हे जिवो से वीडियो को मते लास्ट चाहि देखिबो वीडियो केमते लागिला निश्चय कमेंट करबो एर स्क्रीनशॉट नै तार किंबा तक वीडियो को पॉज करी तमे क्वेश्चन डा को लिखि दियो त आंसर खातरे कर दबो तमे कंसर्न टीचर को मध्यम तमे देखै परियो आंसर करी की क्वेश्चन रो किंबा नेक्स्ट वीडियो को तमे वेट करियो आंसर आसीबा पर्यंत मेनी मेनी थैंक्स बिकॉज़ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एबल वीडियो यदि चाहु छ चैनल को सब्सक्राइब करि छ नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन करि छ खाली वीडियो को बहुत मात्रा रे शेयर करले हला थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो